लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बॉडी। इंसान का दिमाग उसके शरीर का सबसे अहम हिस्सा है। दिमाग ही शरीर के हर हिस्से को कंट्रोल करता है। सो यू सी, ब्रेन इज द किंग ऑफ ऑल ह्यूमन बॉडी पार्ट्स। This one? ये है मेरा प्रोजेक्ट। No. Sir, but why? इस केस को भूल जाओ। लेकिन क्यों सर? इतना इंटरेस्टिंग केस है। ये सिर्फ इंटरेस्टिंग ही नहीं, ये पुलिस केस भी है। लेकिन सर, सुनीता, you want me to call your parents?
ठीक है सर, हम ये प्रोजेक्ट नहीं करेंगे. बट एज मेडिकल स्टूडेंट्स वी वांट टू नो अबाउट दिस केस. ओके राइट. इसका नाम संजय सिंघानिया है. किसने इसके सर पे लोहे के रॉड से मारा था. इस हादसे के बाद इसने अपनी याददाश्त खो दी. अब ये कुछ भी याद नहीं रख पाता है. इस बीमारी को हम कहते हैं शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस. ये कुछ मानो सिर्फ 15 मिनट के लिए ही सारी बातें याद रख सकता है, उसके बाद सब भूल जाता है. मसलन कि आपसे आपका नाम पूछता है, 15 मिनट बाद आपका नाम भूल जाएगा. वो हादसा जो उसके साथ हुआ था उसके बारे में उसे कुछ कुछ याद है, और वो भी क्या मालूम कितना याद है. वैसे छोटी मोटी चीजें जैसे कि खाना खाना, पानी पीना, गाड़ी चलाना या फिर उसकी खुद की फीलिंग्स, ये उसके अंदरूनी दिमाग में सुरक्षित है, जिसे हम सबकॉन्शियस माइंड कहते हैं. लेकिन सर, ये रोज के मामूली काम कैसे करता है? देखो, छोटे बच्चे हमारे कहने पर किसी काम को कैसे करते हैं? याद करके, दोहरा के, बार बार रट कर या फिर लिख कर. ठीक उसी तरह ये भी हर काम लिख लिख के याद रखता. वो क्या हादसा था और इसे किसने मारा? ये तो किसी को नहीं पता. अनफॉर्चुनेटली इसे उस आदमी का चेहरा तक याद नहीं है. ऐसी जिंदगी जीने का क्या फायदा? पता नहीं वो क्या करा होगा इस वक्त.
अंग्रेज की तरह ये भी मरा है। इस हफ्ते ये दूसरी मौत है। मुंबई की गली गली चप्पा चप्पा छान मारूंगा और 48 घंटे के अंदर अंदर ढूंढ निकालूंगा उस कमीने को। पता लगा किसने किया है, पुलिस के हाथ आने से पहले वो मुझे मिलना चाहिए। कहाँ जाना है साहब? ये यहाँ जाना है। ये आ गया साहब, 8-1। हाँ अभी आप आगे से राइट कीजिए। ठीक है साहब। अभी राइट में ओडेसी बिल्डिंग आएगी, वहाँ जाना। ₹73। किसका एड्रेस है सर? मेरा।
परसों सुबह 10 बजे हीरा नंदानी से अंधेरी स्टेशन तक की टिकट है। हाँ साहब, ये टिकट मैंने ही काटा था। इस टिकट के पीछे क्या लिखा है? टिकट के लिए 500 रुपया दिया था, छुट्टी नहीं थी इसलिए मैंने टिकट पर लिख दिया था, पर वो अपना पैसा लेना भूल गया। अरे ये तो उसी का टिकट होगा। कौन? सर एक है जो हमेशा भूलता रहता है, कभी वो बस टिकट लेना भूल जाता है, कभी वो पैसे लेना भूल जाता है, और कभी कभी वो सर बार बार टिकट लेता रहता है और बस स्टॉपेज के नाम भी पूछता रहता है। तुम इस आदमी को पहचान सकोगे? हाँ क्यों नहीं सर, देखने में एकदम अजीब सा दिखता सर, सर मुड़वाया है, सर पर एक लंबा चौड़ा चोट का निशान है सर, हर सुबह 10 बजे हीरा नंदानी से ही बस पकड़ता है वो। 9 बज गए, अब 1 घंटे में उसे पकड़ना होगा। सुनीता फाइनल ईयर मेडिकल स्टूडेंट। सर आप मुझे नहीं जानते लेकिन मैं आपको जानती हूँ, क्या मैं आपसे 2 मिनट बात कर सकती हूँ प्लीज सर? एक मेडिकल स्टूडेंट होने के नाते मैं ये जानना चाहती हूँ आपको कैसी, ये क्या है सर? मेरा कैमरा। ये आवाज़ क्यों कर रहा है? हर 15 मिनट के बाद बजता है ताकि मैं फ़ोटो ले सकूं, ज़रूरी चीज़ों की, लोगों की, और उन पर लिखकर याद रखूं। फ़ोटो पे? हाँ। क्या कर रही हो? सर नोट्स। पढ़ के भेजो, भेजो। सर क्या मैं वो फ़ोटो देख सकती हूँ? ये हीरा नंदानी है ना सर, आप यहाँ रहते हैं? हाँ। सर एक बात पूछूं, आपके सर पर चोट कैसे लगी? हमारे प्रोफेसर ने बताया था कि आपके साथ कोई हादसा हुआ था, उस हादसे के बारे में कुछ याद है सर? क्या हुआ था सर बताइए ना, आपको किसने मारा था? अभी हमारी दोस्ती ऐसी नहीं कि मैं तुम्हें सब कुछ बता दूं। सॉरी सर, सॉरी, लेकिन मैं आपसे फिर मिलना चाहती हूँ, आप मेरी भी एक फोटो ले लीजिए ताकि मैं आपको फोटो दिखाकर आपसे फिर से मिल सकूं।
एक और ले लीजिए सर, एक आपके लिए और एक मेरे लिए। अब तो मैं आपकी दोस्त बन गई हूँ सर, इसलिए इस पर माय फ्रेंड लिख दीजिए। थैंक यू सर। अब जब मैं आपको दोबारा मिलूंगी मैं आपको ये दिखा सकती हूँ। मेरा नाम संजय, संजय सिंघानिया। बिजनेस मेरा काम भी है और मेरा शौक भी। मेरे पिताजी का सपना था कि हमारी कंपनी हिंदुस्तान की सबसे बड़ी सेलफोन कंपनी है, और उनका सपना मेरा मकसद है, जिसे मैं अंजाम देने में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। मुंबई मेरा घर है और मेरी माँ का जन्म स्थान भी, इसलिए ये मुझे बहुत प्यारा है। ये एयरवॉइस मोबाइल कंपनी है, मेरा ऑफिस, और ये है मेरे भरोसेमंद एम्प्लॉयज। मेरे पिताजी का कहना था कि काम जज्बात के साथ करो, जज्बाती होकर नहीं। पूरे हिंदुस्तान में 50 करोड़ सेलफोन्स की खपत हमारा उद्देश्य है। चौंक गए क्या? मैं कर सकता हूं। नहीं, ये मेरा घमंड नहीं, मेरा विश्वास है। विश्वास और घमंड में बहुत कम फर्क है। मैं कर सकता हूं, ये मेरा विश्वास है। सिर्फ मैं ही कर सकता हूं, ये मेरा घमंड। विश्वास की हमें जरूरत है, इसे अपने पास रखिए। और घमंड अगर ऑफिस के दरवाजे के बाहर छोड़कर आएंगे तो मेहरबानी होगी। थैंक यू। जो मिले जो मुझे मुझे मुझे
ट्रैफिक का बहाना मत बनाना तुम। जाओ जल्दी से कपड़े बदल के आओ। ओके सर। बहुत लेट हो गए ना। क्या जिंदगी है, खड़े रहो रोज साला क्राउड में, और ये बनी रहे हेमा मालिनी। Can I go for lights? Roll kare? Haan. Lights! Roll camera. Rolling. Action! Ragad ragad ke saaf karo, mere haathon ko maaf karo, peela pan jata hi nahi. Camera pan. Action, madam. Isiliye to kehti hu, le aao kite. Sab kuch milega white. Sirf ek rupaye mein safedi. Chak chak chaka chak. सर, इस रोड पर ये आठवीं होर्डिंग है इवनिंग ट्रैफिक के लिए। ये सारी छः के छः अवेलेबल है? सर, तीन अवेलेबल है। नेक्स्ट कौन सा? नेक्स्ट यहाँ है सर, ये बिल्डिंग है। अगर होर्डिंग इस टेरेस पे लगे, पूरे फ्लाईओवर से इसका व्यू मिलेगा। लुक्स ओके टू मी। कौन रहता है यहाँ? एक लड़की है, कल्पना, उससे बात कर सकते हैं। करो। अरे भाई, अभी क्या हुआ? रवि, ये क्या हो रहा है यार? कभी बैटरी का। एक्सक्यूज मी, क्या हम कल्पना मैडम से मिल सकते हैं? कल्पना मैडम नहीं है कोई, कल्पना है। वैसे आप लोग कौन है? हम एयर वॉइस मोबाइल कंपनी की तरफ से हैं, और मैं कंपनी के एमडी मिस्टर संजय सिंघानिया का प्राइवेट असिस्टेंट हूँ। एयर वॉइस कंपनी?
मासर सतवीर कोहली, मैं इस एड फिल्म कंपनी का मालिक हूँ। अरे कई एड्स बनाए हैं हम लोगों ने, साबुन तेल टूथब्रश हाजमोला, अभी लेटेस्ट बंदर छाप दंत मंजन का एड भी हम ही ने बनाया है। आपको क्या एड बनाना है? देखिए, हमें कल्पना मैडम से मिलना है। कंपनी के एमडी मिस्टर संजय सिंघानिया ने खुद हमें यहाँ भेजा है। कल्पना मेकअप रूम में जाइए, मिल लीजिए। एक्सक्यूज मी मैम, आई एम श्रॉफ, आई एम फ्रॉम ए वॉइस मोबाइल कंपनी। चाय देकर वापस आ जा। यस सर। सॉरी सॉरी, डोंट ट्राई टू कन्विंस मी। आपके एमडी का दिल आ गया तो मैं क्या करूं? आखिर मुझे भी मंजूर होना चाहिए ना। लव मैटर, लव मैटर। प्लीज मैम, हम अपने एमडी की तरफ से आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आप थोड़ा सोचिए तो सही। इसमें सोचने की क्या बात है, मेरा फैसला सुन लिया ना आप लोगों ने, अब जाइए। मैडम प्लीज, अपने एमडी को जाके बोल देना कि कल्पना को मंजूर नहीं है। फिर भी मैम, अगर आप अपना फैसला बदल दें तो ये हमारी कंपनी का कार्ड है, फोन कर दीजिएगा। ओके। ओह सॉरी सर, मैं अभी तैयार होकर आई। मैडम एक मिनट। मैडम कल्पना जी, जी? मैं आपके पर्सनल मामले में दखल देने के लिए माफी चाहता हूँ, लेकिन अंदर जो भी बातें हुई ना वो हम सब ने सुन ली। स्मार्ट मैडम के लिए कुर्सी रखो। अजी हम बताते हैं आपको क्या हुआ होगा। एयर वॉइस कंपनी के चेयरमैन मिस्टर संजय सिंघानिया ने आपको कहीं पे देखा, देखते ही पहली नजर में वो अपना दिल खो बैठे। बात यहीं पर आके अटकी है, वो आपके हाँ का इंतजार कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने अपने आदमियों को आपके पास में भेजा। Actually, आप हैं जो उन्हें ना करते जा रही हैं। Am I correct, madam? Correct? हाँ, करेक्ट करेक्ट। अब मैं यही पूछ रहा हूँ, इतना अच्छा रिश्ता आप क्यों ठुकरा रही हैं? सर, आज आएगा इस कंपनी का मालिक आया है, कल को बिल गेट्स आएगा, तो क्या हम उसे भी हाँ कर देंगे? आखिर हमारी भी तो पसंद होनी चाहिए ना। अरे जरा सोचो, इतना अच्छा मौका मिला, आपके एक हाँ से हमारी कंपनी कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगी। अरे कितने अच्छे कर्म किए होंगे तुमने, बस अब भगवान का नाम लो और हाँ कर दो। अरे सब मैं फोन करता हूँ। नहीं सब वो बजी बजी बात करो। एडवाइस, गुड आफ्टरनून, मे आई हेल्प यू प्लीज? हेलो, मैं कल्पना बोल रही हूँ। कल्पना? कौन कल्पना? वो टेरेस होल्डिंग वाली कल्पना? देखो, हमने तुम्हारे बारे में सब कुछ पता लगा लिया है। एक तो वो घर तुम्हारा नहीं है, ऊपर से तुमने 2 महीने का किराया नहीं दिया है, और हम पर रौब जमा रही हो। चलो फोन रखो। पूरा ऑफिस हिल गया है। देखो सुनो, आपने एमडी को जाके बोल दो कि कल्पना ने हाँ कर दी है। सोना नहीं तो क्या, चमकता तो है। नत्तुमल गेंडामल ज्वेलर्स, 42 लिंक रोड, मलाड वेस्ट। हमारी कोई ब्रांचेस नहीं है। ईमानदारी की असली मिसाल क्या होती है? पहली होती है माँ, दूसरी और आखिरी होती है हमारा और सबका हमाम साबुन। अरे सब, आप ये लेकर क्यों आते हैं? अरे नहीं नहीं नहीं, ठीक है ना बेटी। कल्पना, मुझे तुमसे एक बात करनी है।
आज एक एड फिल्म कोऑर्डिनेटर आ रहा है, बड़ी बड़ी एजेंसी को जानता है। अगर वो ये समझ लें कि हमारी लीड मॉडल का चक्कर संजय सिंघानिया के साथ में चल रहा है तो हमारी बहुत मदद हो जाएगी ना। कब तक ये छोटी मोटी फिल्में बनाते रहेंगे हम लोग? हमारी कंपनी को नेशनल क्लाइंट्स की जरूरत है। अरे सर, आपने कहा और हो गया। कल्पना जादू की छड़ी है, यूं घूमती है और सरकारें बदल जाती है। भाई साहब, मैं मायापुरी मैगजीन से आया हूँ, स्ट्रगलिंग मॉडल्स पर आर्टिकल लिख रहा हूँ। आपके किसी मॉडल का इंटरव्यू मिल सकता है क्या? उधर मेकअप रूम। एक्सक्यूज मी, आइए आइए बैठिए। थैंक यू। डायरेक्टर साहब ने बताया था कि आप आएंगे। अच्छा, अरे ये लोग इतना टाइम लगाते हैं सेटअप करने में। अब मुझे निकलना है एयरपोर्ट के लिए, संजय की फ्लाइट है ना। कौन संजय? संजय सिंह हानिया, एयर वॉइस कंपनी का मालिक, वो मेरा लवर। संजय सिंह हानिया आपका लवर? हाँ, और नहीं तो क्या। एक्चुअली पहली बार हम दिल्ली एयरपोर्ट पे मिले थे, उस वक्त मैं जानती नहीं थी कि वो संजय सिंह हानिया है। पूरे वक्त एयरपोर्ट की लॉबी में मुझे खो रहा था। बाद में फ्लाइट में भी मेरे पास वाली सीट पर आकर बैठ गया। हाय, आई एम संजय सिंह हानिया। मैंने भी बोला हाय। तब मुझे मालूम पड़ा कि ये संजय सिंघानिया है। एक मिनट, क्या मैं सब लिख सकता हूँ? हाँ हाँ, क्यों नहीं, आप बिलीव नहीं करोगे। दिल्ली से बॉम्बे पूरे रास्ते वो मुझसे बात करता रहा, कचर कचर पचर पचर, और मैं भी सुनती रही। फिर एकदम से बोला, आई लव यू, मुझसे शादी करोगे? मैंने कहा पागल हो गयो क्या, शादी ब्याह की बातें हवा में थोड़ी तय की जाती है। फिर बॉम्बे पहुंचती, उसके फोन पे फोन, एसएमएस पे एसएमएस, मैंने ज्यादा लिफ्ट नहीं दी। आखिर मुझे भी तरस आ गया बेचारे पे, सोचा चलो ठीक है, हाँ कर देती हूँ। इस हफ्ते की ताजा खबर पढ़िए मायापुरी में। जाने माने बिजनेस टाइकून संजय सिंघानिया का अपकमिंग मॉडल के साथ चक्कर। सुनिए ये कहानी खुद कल्पना की जुबानी। खरीदिए इस हफ्ते की मायापुरी और पाइए मसालेदार खबरों के साथ 2 पैकेट MDH मसाला फ्री। हेलो, देखिए मैं उसे जानता तक नहीं, मैंने उसकी शक्ल तक नहीं देखी। एंड प्लीज डोंट डिस्टर्ब मी अननेसेसरी। हेलो, देखिए ये सब झूठ है। अरे मुझे कैसे मालूम इसे, ये सब क्यों का? आप प्लीज मुझसे बाद में बात करिए। नो मोर कॉल्स प्लीज। उसकी फोटो छपी है? नहीं सर, इसमें ना उसकी फोटो छपी है ना आपकी। मैं उसे मिलना चाहता हूँ, फाइंड आउट। अंदर जाना मुश्किल हो रहा है, वापस चले। वेट, हम कोशिश करेंगे कि हम लोग अंदर कैसे जा सकते हैं, ठीक है? क्या हुआ सिस्टर? ये बच्चे लोग म्यूजियम देखने आए हैं और अंदर नहीं जा सकते हैं, मैं क्या करूं? एक सेकेंड। अब संभल के इस पे पैर रखिए। हाँ,
सा शुड आई गो इन एंड तुम लोग यहीं रुको। एक्सक्यूज मी, ये कल्पना कौन है? ऊपर टेरेस पे। मेरा नाम सचिन है मैडम, लाइक सचिन तेंदुलकर, प्लीज मेरी सिफारिश करिएगा एंड कांग्रेट्स फॉर द गुड न्यूज। ओह थैंक यू। एक्सक्यूज मी, मैं देखती हूँ मैं क्या कर सकती हूँ। थैंक यू। हेलो, थैंक्स। अच्छा अब तुमने फोटोग्राफ भेजे कि नहीं? एक्सक्यूज मी, I'll talk to you later. Yes. कल्पना? हाँ मैं ही हूँ, बोलो। वो मैं वो मायापुरी मैगजीन में न्यूज़ पढ़ी। ओफो, फिर मायापुरी। सुबह से कॉल्स पे कॉल्स, ऑटोग्राफ्स, फोटोग्राफ्स, बुकेस, एसएमएस। अरे मैंने इसलिए थोड़ी बताई थी अपनी स्टोरी। संजय कितना नाराज होगा। संजय सिंघानिया यार, एक्चुअली पहली बार हम दिल्ली एयरपोर्ट पे मिले थे, उस वक्त मैं जानती नहीं थी कि वो संजय सिंघानिया है। पूरे वक्त एयरपोर्ट की लॉबी में उल्लू की तरह घूर रहा था मुझे। बाद में फ्लाइट में भी मेरे पास वाली सीट पर आकर बैठ गया। हाय, आई एम संजय सिंघानिया। मैंने भी बोला हाय। तब मुझे मालूम पड़ा कि ये संजय सिंघानिया है। दिल्ली से बम्बई पूरे रास्ते उसका एफएम रेडियो ऑन था, कचर 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 कचर, और मैं भी सुनती रही। फिर एकदम से बोला आई लव यू, मुझसे शादी करोगी? मैंने बोला बच्चू, शादी ब्याह की बातें हवा में थोड़ी तय की जाती है। मैंने बोला नो, उसने बोला प्लीज। मैंने बोला नो, उसने बोला प्लीज। मैंने बोला ओके। अब कोई एक टांग पे खड़ा हो जाए तो आप क्या कर सकते हैं? बस इतनी सी बात थी। ये खबर मैगजीन में छप गई तो लोग पीछे पड़ गए कि मैडम हमें रेकमेंड कर दो, मैडम हमें ऐड दिला दो। उफ, तुम इस ऐड के लिए आए हो ना? मैं, अरे यार सूट पहन के सब ऐड के लिए आते हैं। तुम सिलेक्ट हो गए क्या? या मैं रेकमेंड करूं? लेकिन टैलेंट होना चाहिए। हाँ टैलेंट, और एकदम वैन ह्यूसन शूटिंग की उम्मीद मत रखना। लिज्जत पापड़ कछुआ छाप जो भी मिले कर लेना। ये पकड़ो। अब बोलो, ये कंघी नहीं कंघा है? जवा मर्दों की पसंद, आशिक का ना कंघा। बोलो। पहले कभी किया नहीं क्या? वेरी पुअर, बहुत काम करना पड़ेगा। ठीक है तुम अपना नंबर दे जाओ, कुछ होगा तो फोन करूंगी। क्या नंबर है तुम्हारा? 9650555555। है रोहित का मोबाइल है, मेरे पास भी वही है, डब्बा फोन है साला, कहीं पर भी नेटवर्क नहीं मिलता। मैं कितना कहती हूँ संजय से, जरा एंटीना को घुमा कर दे। ठीक है घर की कंपनी है लेकिन कुछ स्टैंडर्ड तो होना चाहिए। हाय अंजनी। हाँ एक सेकंड, नाम क्या बताया अपना? सचिन। हाँ ओके सचिन, मैं थोड़ी बिजी हूँ, कुछ होगा तो फोन करूंगी। बाय। हाँ अंजनी बोल। नहीं यार, you know what happened? मायापुरी में जब से मेरी लव स्टोरी छपी है ना, सुबह से अरे वो नहीं यार, एक्चुअली पहली बार हम दिल्ली एयरपोर्ट पे मिले थे, फ्लाइट में भी मेरे पास वाली सीट पर आकर बैठ गया। हाय, आप संजय से खाने आए? मैंने बोला हाय। दिल्ली से बॉम्बे पूरे रास्ते उसका After completing my law, I went to the US and I did my MBA from Harvard. I've been looking after this business since my father passed away. I strongly feel that technology has to reach people beyond social and economic barriers. And that's the goal of our company. Oops. I'm so sorry. Cell phones, I tell you. Excuse me. Hello? Hello?
मैं कल्पना बोल रही हूँ। कल्पना, आप कौन सी कल्पना बोल रही हैं? अरे कल्पना, संजय सिंघानिया की गर्लफ्रेंड यार। ओह अच्छा, वो कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ। अच्छा, एक चड्डी का ऐड करोगे? चड्डी का अच्छा, तुम भी हो उसमें? अरे मर्दों की है बाबा। हाँ अच्छा, जल्दी आ जाओ, एड्रेस नोट करो। एक मिनट, मार्क, जस्ट मेक अ नोट ऑफ द एड्रेस प्लीज। हाँ बोलो। बिल्डिंग नंबर 3 चिंच पोकली बंदर खाओ गली। बिल्डिंग नंबर 3 चिंच पोकली बंदर खाओ गली। आप एक ही पैरन से चिंच पोकली बंदर खाओ गली। चीनी चिंच पोकली चिंच पोकली पोकली बंदर खाओ गली। खाओ गली गली कर। थैंक यू। और हाँ, ऑटो में आना, इम्प्रेशन अच्छा पड़ेगा। पैसे तो है ना? मैं मैनेज कर लूँगा। ओके ठीक है, सो आई विल बी वेरी फॉर यू, बाय। आज बड़ी गर्मी है। मुंबई पहली बार आए हैं, बारिश में आइएगा साहब, नदियां बहती हैं नदियां। चलाने को नहीं आता क्या? सॉरी। आप काहे को सॉरी बोल रहे हो साहब? पब्लिक रोड पे चलेगा तो हम क्या हवा में उड़ेगा साहब? अच्छा आप सामान कितने? कितना हुआ? 40 रुपये। अरे देहादी की तरह इधर उधर क्या देख रहे हो? मैनेजर कुमार ने कहा कि नया मॉडल चाहिए, इसलिए तुम्हारी याद आई। ये किस चीज का ऐड है? हाँ, ज़ारो इलास्टिक चड्डी। अरे ये ऐड तुम्हें मिल गया ना तो तुम्हारी निकल पड़ेगी। जरा सोचो, तुम चड्डी में खड़े हो, लोखन वाला से लेकर मरीन ड्राइव तक हर सिग्नल पे तुम्हारे 60x40 के ये बड़े बड़े बैनर। हमारी तो किस्मत ही बदल जाएगी, फिक्र मत करो, तुम सेलेक्ट हो जाओगे। अब कोई और ऐड नहीं मिल सकता? हाँ, खुजली का करोगे? खुजली का? बीटेक्स लोशन, बीटेक्स मलहम, दांत खाज खुजली के लिए? नहीं नहीं, वो पहला वाला ठीक है। हेलो मैम। ओह हाय। मैम आपने वो कहा था ना कि चड्डी की ऐड के लिए सिफारिश करूंगी। भाई वो चड्डी वाला तो चला गया, खुजली का करोगे? करूंगा, कुछ भी करूंगा मैम, मुझे तो काम चाहिए। गुड, दैट्स द स्पिरिट। देखा, कल सुबह स्टूडियो में आ जाना। थैंक यू मैम। ओके एक मिनट रुको। अंकल आपको कहाँ जाना है? मुझे संजीवन स्कूल बस स्टॉप पे जाना है। आइए मैं छोड़ देती हूँ। रास्ते में क्या क्या हो रहा है मैं आपको बताती जाऊंगी। ओके अंकल। चार छोटी छोटी लड़कियां स्कूल यूनिफॉर्म में खड़ी खेल रही है। वहां एक औरत अपने पति की धुलाई कर रही है और वो फटी उसकी कमीज। चाय की दुकान पे रेडियो बज रहा है। अब हम क्रॉस कर रहे हैं साईं बाबा मंदिर। और ये हम आगे मेन रोड पे। लीजिए आपका बस स्टॉप आ गया। नजर में सब मंजिल वंजिल पाए, हटके अलग सी थी, बिल्कुल जुदा सी, ना ही अदाए ना कोई अंगड़ाए। बैगा, ये मन है
बहका मैं बहका वो बहकी हवा से आए, एक ही नजर में सब मंजिल वंजिल पाए। धड़कन धक 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 हुई, दिल ता 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 थाई, चाल डगमग मग डगमग मग हुई, झूमू झमक झमा झम, रास्ता ताको 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 मैं पल पल जागो 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 मैं, बार बार बदल करवट उसको सोचू मैं। गुजरे जहां से वो रौनक उड़ाए, झलके नदी सी वो मुझको भिगोती बचपन, मीठी शरारत, थोड़ा रेशम है थोड़ी नजाकत, कभी शर्माए कभी लहराए, उसमें साहिल है और जाने कितनी गहराई। बहका मैं बहका वो बहकी हवा सी आए, एक ही नजर में सब मंजिल वंजिल पाए। हटके अलग सी थी बिल्कुल जुदा सी, ना ही अदाए ना कोई अंगड़ाए। अच्छे लगे अच्छे लगे, सच से भी बड़े लगे, राह में उसकी हाथ बांधे पल के बिछाए हुए, सर को झुकाए हुए, खुशबू से छाए हुए, टकटकी लगाए हुए, साथ साथ चार कितने सारे मौसम खड़े रहे। बहका मैं बहका वो बहकी हवा सी आए, एक ही नजर में सब मंजिल वंजिल पाए। बहका मैं बहका वो बहकी हवा सी आए, एक ही नजर में सब मंजिल मंजिल पाए। हटके अलग सी थी वो बिल्कुल जुदा सी, ना ही अदाए ना कोई अंगड़ाए। गुड मॉर्निंग। आओ बेटी बैठो। तुम जानती हो तुम्हारी वजह से हमारी कंपनी का बहुत बड़ा नाम होने वाला। अरे ऐसा क्यों कह रहे हो? बेटी तुम्हारे इजाजत के बगैर मैंने एक काम कर दिया है। 31 दिसंबर को हमारी कंपनी न्यू ईयर्स ईव की बहुत बड़ी पार्टी दे रही है। ओह वाओ! जानती हो चीफ गेस्ट कौन है? कौन सर? अरे तुम्हारा बॉयफ्रेंड, एयर वॉइस कंपनी का चेयरमैन श्रीमान संजय सिंघानिया। और देखो किसी भी हालत में तुम्हें उसे इस पार्टी में लेके आना है। तुम्हारे भरोसे मैंने इस इनविटेशन कार्ड पे उनका नाम प्रिंट करवाया है। देखो
ये बड़ी बड़ी एजेंसीज आएंगी, एड फिल्म मेकर्स आएंगे, प्रोड्यूसर्स आएंगे, डायरेक्टर्स आएंगे। हाँ, लेकिन किसको पूछकर आपने उसका नाम इनविटेशन पर प्रिंट करवाया? अरे इसमें पूछने की क्या बात थी, न्यू ईयर्स ईव पार्टी है, उसमें तुम तो आओगी, वो तुम्हारे साथ में आ जाएंगे। लेकिन मैं उसे नहीं बुला सकती। क्यों? हमारा झगड़ा हो गया है। ऐसा मत कहो बेटी, सारे कार्ड तो बन चुके हैं, और किसी भी तरह से उसे मना कर तुम उसे पार्टी में ले आओ, वरना बदनामी हो जाएगी। सर, लेकिन किसकी परमिशन से आपने ये कार्ड प्रिंट करवाए? मैं तुमसे पूछने वाला था बेटी, लेकिन बात दिमाग से निकल गई ना। सर, आपने जो किया बिल्कुल गलत किया, 100% रॉन्ग। देखो बेटी, तुम उसे ले आओ, वरना सबके दिल टूट जाए। संजय सिंघानिया को सब तरस रहे उसे देखने के लिए, आज तक किसी ने उसे देखा तक नहीं है। क्या 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 उसे अभी तक किसी ने नहीं देखा? कैसे देखते, अमेरिका से अभी तो आए हैं। फिर तो उसे लाना ही पड़ेगा। अरे सर, आपने कहा और हो गया, कल्पना जादू की छड़ी है, यूं घूमती है और सरकारें बदल जाती है। थैंक यू वेरी मच। डायलॉग। हाय, आई एम संजय, संजय सिंघानिया। परफेक्ट, वेरी गुड। याद रखना, आज शाम की पार्टी में तू संजय सिंघानिया बनकर आ रहा है। सुन, मेरा एक दोस्त आया है, उसके सामने तू संजय की एक्टिंग करना, अगर वो मान गया तो तू पास। ओके, हाय। क्या हुआ? संजय आया है। संजय? संजय सिंघानिया मेरा बॉयफ्रेंड। सचिन, मीट मिस्टर संजय। हाय, आई एम संजय, संजय सिंघानिया। क्या, कौन? ये संजय सिंघानिया। ये मजाक कर रही हो? ये और संजय सिंघानिया। अरे भाई, किया क्या मैंने? बड़े आदमी कभी पहले हाथ नहीं बढ़ाते, तूने पहले हाथ क्यों बढ़ाया? ओ, तो कब बढ़ाऊं? अरे बढ़ा यार, तू कचरे में जा, तू जाके ऐड कर, सब चौपट कर दिया। क्या हुआ सचिन? एक बात बताओ। क्या? सुनोगे तो एकदम दंग रह जाओगे। बोलो। अरे मैं संजय सिंघानिया से प्यार नहीं करती। क्या? एक्चुअली मेरी कंपनी के सब लोगों को लगा कि वो मेरा बॉयफ्रेंड है, तो सब मुझे बड़ा भाव देने लगे। मैंने भी हाँ में हाँ मिला दी। अरे मैं तो ये भी नहीं जानती कि वो दिखता कैसा है। अच्छा, तो फिर आज मेरी कंपनी की न्यू ईयर पार्टी है, उन्होंने बिना मुझसे पूछे संजय का नाम कार्ड पे एस चीफ के छाप दिया, इसलिए इस गधे को तैयार कर रही थी, लेकिन तुमने तो एक सेकंड में पकड़ लिया। अब मैं क्या करूं? हे, रिलैक्स रिलैक्स, मैं हूं ना, मैं इसको ट्रेन करता हूं। ओके, देखो क्या नाम है तुम्हारा? हाय, आई एम संजय, संजय सिंघानिया। नहीं, तुम्हारा असली नाम क्या है? संपत। देखो संपत, इतना एक्स्ट्रा स्टाइल मत मारो, बी रिलैक्स्ड एंड इजी कॉन्फिडेंट। देखो मैं दिखाता हूँ। हाय, आई एम संजय, संजय सिंघानिया। बस बस, एक्टिंग मत सिखाओ मुझे, थिएटर का बंदा हूँ भाई, चार प्ले कर चुका हूँ, एकदम फर्स्ट क्लास कर रहा था, ये आया सब बिगड़ गया। ओए, तू ये कोट निकाल, निकाल निकाल, पहले ये कोट निकाल। नहीं नहीं, मेरी कल शूटिंग है, एक ही कोट है मेरे पास। बैक अप हो गई तेरी शूटिंग, तू सिर्फ रबर चप्पल की आर्ट के लिए सही है, निकाल। मैं हाँ यार, तुम लग तो रहे हो स्मार्ट, ये गॉगल्स पहनो,
परफेक्ट परफेक्ट सचिन, आज शाम की पार्टी में तुम संजय सिंघानिया बनकर आओ ना, प्लीज प्लीज से प्लीज प्लीज से यस ओके आइए आइए आप भी आइए ओह हाय कल्पना तुमने ठीक से तो इनवाइट किया था हाँ सर सच में अगर वो यहाँ आ गए तो सब पागल हो जाएंगे और अगर वो ना आए तो मैं पागल हो जाऊंगा मैडम 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 कोट रेडी है आप ओके बोलेंगी मैं पहन के यूं घूम के सामने से आ जाऊंगा मैंने प्रैक्टिस भी बहुत कर ली है हाय आई एम संजय सिंघानिया हेलो संजय हाय सिंघानिया भाग यहां से बेवकूफ कहीं का हाय कल्पना हाय ये कार लेकर आया मैं इस कार का भाड़ा नहीं दूंगी थैंक यू कमाल हो गया अभी तक उसने एक्टिंग शुरू भी नहीं की और ये सारी बेवकूफ उसे संजय सिंघानिया समझ रहे हैं यस 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 कैन यू टेक इट प्लीज हाय डार्लिंग सॉरी आई एम लेट माय गॉड यू लुकिंग गॉर्जियस थैंक यू हेलो सर हेलो Sorry. Welcome, sir. Welcome. Thank you. Myself, Satvik Kohli. Kalpana ji ka director hoon. Is ad firm ka malik hoon main. Hello, sir. Thank you, sir. Very good, very good. Kalpana ji ko maine hi zor diya tha aapse haan kehne ke liye. Achha. Tumne bataya nahi? Haan, sir. Bataya tha. Bataya tha na. Haan. Sir, humne aapka article padha tha. Economic Times mein. I fully agreed with your foreign policies. देखिए सर, please आप लोग इन्हें छोड़ दीजिए, तंग मत कीजिए, please. आइए सर, dinner ready. छप्पी मार रहा है, सर आपके सामने पप्पी ले रहा है? नहीं. 100 ads कर चुकी हूँ, 90 group, 10 solo. अपने seniors की इज्जत करना सीखो. वरना लाइफ में कभी आगे नहीं बढ़ोगे. भरोसा नहीं हो रहा मुझे. क्या? यकीन नहीं हो रहा मुझे. क्यों? क्यों नहीं हो रहा? इतना बड़ा आदमी हमारे बीच बैठा है. ओह, लेकिन बैठा तो है ना. एक्सक्यूज मी, जरा बर्फ मिलेगी? तुम्हारे लिए इतना ठंडा बहुत है. मैडम ये बहुत ओवर एक्टिंग कर रहा है, पकड़ा जाएगा. पहले तू जा यहाँ से. एक्सक्यूज मी सर, हम दीनानाथ चैरिटेबल ट्रस्ट की तरफ से आए हैं. ये एक अनाथ लड़कियों की संस्था है. हाँ तो अगर आप कुछ चंदा दे सके तो बड़ी मेहरबानी होगी. अरे आजकल पैसे लेकर कौन घूमता है सर? चेक भी चलेगा. चेक? चेकबुक लेकर पार्टी में कौन आता है मैडम? क्या कर रहे हो? किसकी चेकबुक है? तेरी लाउड ओवरएक्टिंग बस करो. 5 lakh? पागल हो गई तुम? थैंक यू सर, ऑल द बेस्ट. सर ये हमारी लीडिंग मॉडल है, सुंदर. कल्पना ने आपके बारे में इतना बताया. सुनो और भी लोग हैं ना. हेलो सर, आई हैव रेडी आर्टिकल्स इन. सर आप फिर आ गए सर, आप प्लीज. तुम संजय सिंघानिया? या तो मैं बहुत समझदार हूँ या दुनिया बहुत बड़ी बेवकूफ है.
I love you. क्या? मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुमसे शादी करना चाहता हूँ. ये एकदम से क्या? एकदम से नहीं. मैंने अभी तक ऐसा कुछ सोचा नहीं. मुझे थोड़ा सोचने दो, मैं कल बताऊं. और अगर मैं ना कहूं तो बुरा मत मानना. हाँ Happy New Year. Happy New Year. उसकी नजरों में मैं एक आम आदमी हूं और एक आम आदमी रहकर ही मैं उसका प्यार जीतना चाहता हूं. इसीलिए मैंने उसे आज तक अपनी असलियत नहीं बताई. कल अगर वो मेरा प्यार कबूल करती है तब मैं उसे बता दूंगा कि मैं ही संजय सिंघानिया हूं. लेकिन अगर वो इनकार करती है तो सचिन रहकर ही उसकी जिंदगी से हमेशा के लिए चला जाऊंगा. अब मुझे सिर्फ कल का इंतजार है. December 31st तक की है. अगले दिन नया साल था 2006. ए, 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 अगले दिन क्या हुआ? क्या कहा उसने? क्या हुआ उस लड़की को? और तुम्हारी ऐसी हालत कैसे हुई? ए, ए, speak up. I'm your manager, Pankaj Shroff. Hello, Sanjay. I'm your doctor, Dr. Paston Wadia. नींद पूरी नहीं आती है. लगता है रात को बहुत देर तक जागते हो. सर, मैं एक ही बात बार बार बोलता हूँ. आप ऑफिस नहीं आते, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम. पर अपने बंगले में तो चलकर रहिए. इस छोटे से फ्लैट में क्या रखा है सर? सर, आपकी देखभाल के लिए एक नर्स और ड्राइवर भेज दे यहाँ प्लीज. मुझे किसी की जरूरत नहीं है. थैंक यू.
सर आप यहाँ कैसे? ये तो हमारा कॉलेज का कल्चरल प्रोग्राम है। ओह आई एम सॉरी सर, आप मुझे नहीं जानते। नहीं नहीं मतलब आप मुझे जानते हैं, मैं आपसे मिल चुकी हूँ। ये संजय सिंघानिया है, बड़े को शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस। चल टाइम हो गया, एक मिनट यहाँ। चल लेट हो जाएगा सुनीता, लेट्स गो। सर लेट्स गो, मेरा परफॉर्मेंस देखिए, मेरा मन जाना दूसरा गाना जाए। Girls and boys, please, please calm down. शांति बनाए रखें, please. देखो, मुझे अभी अभी खबर मिली है कि हमारे आज के चीफ गेस्ट जीडी फार्मास्यूटिकल्स के मालिक यहाँ पहुँच चुके हैं। आप लोग तो जानते हैं, इन्होंने हमारे कॉलेज को पूरे तरीके से सपोर्ट किया है। तो मैं ये चाहूँगा आप पूरे जोश के साथ इनका स्वागत करें। Boys and girls, please welcome Mr. Gajani Dharmatma. बेसमेंट कार पार्क में आ जाओ। क्या? कौन है? कौन है उधर? गाड़ी के पास क्या कर रहे हो?
कौन था? वे कौन था वो जिसने तुझे मारा? मुझे नहीं, आपको मारने आया था। मुझे मारने आया था? वे कौन था वो? वे था कौन? कौन था वो? दो साल पहले। हाँ, दो साल पहले। वे दो साल पहले क्या? वे क्या दो साल पहले? हाँ, वे दो साल पहले क्या? नाम बता उसका कौन था वो जो मुझे मारना चाहता था? नाम बता। भाई वो मर गया। दो साल पहले मैंने क्या किया था? अरे दो साल पहले हमने क्या क्या कराया था? साले कौन कौन है जो मेरी जान लेना चाहते हैं? रेल लिस्ट बनाओ, इन सबकी लिस्ट बनाओ। कल तक ये लिस्ट मेरे सामने होनी चाहिए, समझ गए सारे के सारे? ठीक है। एक्सक्यूज मी, हाँ, मिस्टर संजय सिंघानिया का फ्लैट कौन सा है? फोर्थ फ्लोर 401। थैंक्स। सर सर यहां से जल्दी निकलो, भागो, वो एक खूनी है। He's a murderer. अरे देख क्या रही हो, सुनाई नहीं देता? Just get the hell out of here. मानो तुम लोग यहां क्या कर रहे हो? हाँ,
क्या? नेल पॉलिश लेने आई थी। ये देखो, माय फ्रेंड ने तुम्हारा फोटो, तुमने तो लिख के दिया था। अच्छा चलो अब। क्या मैं तुम्हारा पीछा कर रहा था? क्या तुम मेरा पीछा क्यों करोगे? मैं तो तुम्हारी दोस्त था। नहीं, मैं तुम्हारा पीछा कर रहा था। मेरी भी सांस तेज है और तुम्हारी भी सांस चढ़ी हुई, मुझे भी पसीना आ रहा है, तुम्हें भी। ए, पब्लिक प्लेस में सिगरेट पी रहे हो? तुम्हें तमीज नहीं है क्या? इडियट्स, तुमने कहा था ना ऐसे लोगों को जूते मार कर सबक सिखाओगे, ऐसा सबक सिखाओगे ना कि सिगरेट पीना ही भूल जाए। मारो, अरे मारो इन्हें। ये शाने हमको सबक सिखाएगा, अपन को जूते मारेगा। चल मारना। तुम सबको मारेगा? हाँ चल मार। अबे मारना, अबे मारना। गजनी मेरी बात सुन, देख ऐसा मत कर। रे चार साल से हमारे बीच में कोई पंगा नहीं है, फिर क्यों मारना चाहता है मुझे? कौन बोला? रे तू मारना चाहता है कि नहीं वो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं अपने सारे दुश्मनों को खत्म करना चाहता हूँ। सब तो खत्म हो गए भाई, फिर क्यों परेशान हो? नहीं, वो भी जिंदा है, इनमें से कोई नहीं है वो। अरे ये लोग तो मेरे नाम से कांपे थे, लेकिन ये सब कोई और है, कोई है जो हमसे छूट रहा है। सर कोई लड़की आई है आपसे मिलने। कौन लड़की? सर मेरा नाम है सुनीता, मैं एक मेडिकल स्टूडेंट हूँ। अच्छा। अपने प्रोजेक्ट के लिए मैं एक पेशेंट के घर गई थी, उसने आपको मार डालने का प्लान बनाया है। वो पहले भी दो लोगों को मार चुका है, मैंने उन डेड बॉडीज की फोटोज उसके घर में देखी है। वो बहुत ही डेंजरस आदमी है सर, वो मेरे सामने एक पुलिस ऑफिसर को मारने भागा। वो ऑफिसर तो एक्सीडेंट में मर गया, लेकिन फिर वो मुझे मारने के लिए मेरे पीछे भागा। ये देखिए सर आपकी फोटो और नीचे डेट भी लिखी। पहले सोचा कि मैं पुलिस के पास चली जाऊं, लेकिन अगर कॉलेज में पता चल गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी मुझे। चुप भी नहीं रह सकती, इसलिए आपके पास आई हूं आपको सावधान करने। ये है उसकी फोटो, वो जो आपको मारना चाहता है। मेमोरी लॉस, 15 मिनट में सब कुछ भूल जाने वाला आदमी मेरी मौत का प्लान बना रहा है। इसने मेरे मौत की तारीख तय की है ना, मैं इसकी मौत का टाइम तय कर देता हूं। 12 घंटे के अंदर अंदर ये साला इस दुनिया में नहीं रहेगा। तैयार रहना, बाहर गया है, उधर से आया तो तुम मार देना, इस तरफ से आया तो मैं मार दूंगा साले को। जी भाई।
मालती मालती यार यार प्रॉब्लम हो गई। क्या? मेरी फोटो उसके पास रह गई। किसके पास? अरे वो संजय सिंघानिया जो है। मगर फोटो तो यही है। नहीं, उसके पास भी एक फोटो है, उसने दो ली थी। तू भी ना आफत है सच्ची में। यार अगर पुलिस का मामला हो गया तो मैं तो फंस जाऊंगी। तू गजनी साहब को क्यों नहीं बोलती? वैसे भी वो उसे ढूंढ रहे हैं, वो दिला देंगे तेरी फोटो। हेलो गजनी साहब, हेलो गजनी साहब। सर मैं सुनीता बोल रही हूँ। मैं आपके घर आई थी ना वो संजय सिंघानिया के बारे में बताने के लिए। कौन? संजय सिंघानिया सर, वो जो आपको जान से मारना चाहता है, शॉर्ट टर्म मेमोरी केस 15 मिनट वाला। आप थोड़ा सा सावधान रहिए सर, हालांकि उसकी मेमोरी की प्रॉब्लम है लेकिन फिर भी वो बड़ा खतरनाक किस्म का आदमी है सर। एक्चुअली सर मैंने इसलिए फ़ोन किया था, मेरी एक फ़ोटो उसके पास रह गई। आप उसके साथ जो चाहे कीजिए लेकिन मेरी फ़ोटो प्लीज़ वापस करवा दीजिए। उसने वो फ़ोटो कॉलेज की कैंटीन में निकाली थी। उस फोटो में तुमने क्या पहना? ब्लू टॉप एंड ब्लू जीन्स। ठीक है, फोटो मिलते मैं तुम्हें पहुंचा दूंगा। मेरा एड्रेस क्या है? उसकी डायरी
कल अगर वो मेरा प्यार कबूल करती है तब मैं उसे बता दूंगा कि मैं ही संजय सिंघानिया हूं, लेकिन अगर वो इनकार करती है तो सचिन रहकर ही उसकी जिंदगी से हमेशा के लिए चला जाऊंगा। अब मुझे सिर्फ कल का इंतजार है। बस एक हाँ के इंतजार में रात यूं ही गुजर जाएगी। अब तो बस उलझन है साथ मेरे, नींद कहाँ आएगी? सुबह की किरण न जाने कौन सा संदेश लाएगी, रिमझिम सी गुनगुनाएगी या प्यास अधूरी रह जाएगी। तो तू आ जा पास पास, है गुजारिश है हाल तो दिल का तंग तंग, तू रंग जा मेरे रंग रंग, बस चलना मेरे संग संग, है गुजारिश कह दे तू हाँ तो जिंदगी झरनों से छूट के हंसेगी, मोती होंगे मोती राह में मेरी अधूरी प्यास प्यास, तू आ गई मन को रास रास, अब तो तू आ जा पास पास, है गुजारिश प्यास, तू आ गई मन को रास रास, अब तो तू आ जा पास पास, है गुजारिश प्यास, तू आ गई मन को रास रास, अब तो तू आ जा पास पास, है गुजारिश है हाल तो दिल का तंग तंग, तू रंग जा मेरे रंग रंग, बस चलना मेरे संग संग, है गुजारिश कह दे तू हाँ तो जिंदगी
चरणों से छूट के हंसेगी, मोती होंगे मोती राह में, ये 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 तू मेरी अधूरी प्यास प्यास। कल रात भर मैं सोचती रही, एक बजे तक सोचा कि तुमसे प्यार क्यों करूं, दो बजे लगा कि हर्जी क्या है, तीन बजे लगा कि थोड़ी जल्दी तो नहीं हो जाएगी यार, चार बजे लगा कि अब नहीं तो कब करूंगी, पांच बजते बजते मैं तय कर चुकी थी, करते हैं ना यार। I love you. मैं उसे बताता हूँ कि मैं कौन हूँ। लेकिन तुम जानती नहीं कि मैं कौन हूँ। क्या? और मेरे पिताजी की हैसियत के बारे में पता चलेगा ना तो तुम्हारे होश उड़ जाएंगे। अरे जो मैं बोलना चाह रहा हूँ वो तो ये बोल रही है। जानते हो मेरे पिताजी के पास 1992 में 3 एम्बेसडर कार्स थी। अच्छा। हाँ, शेट्टी ट्रैवल्स के नाम से एक ट्रैवल एजेंसी थी। शेट्टी ट्रैवल्स? हाँ जी, शेट्टी, शेट्टी ट्रैवल्स। अच्छा, शेट्टी ट्रैवल्स। लेकिन मेरे मामा ने उन्हें धोखा दिया। ओ। तीनों कार्स हड़प ली। मेरे पिताजी भी इस गम में चल बसे। उस दिन मैंने कसम खाई, जब तक मैं 3 एम्बेसडर कार्स नहीं खरीद लेती तब तक शादी नहीं करूंगी। तीन? एक कम नहीं हो सकती? हर किस नहीं, तब तक इंतजार कर सकते हो तो करो, वरना अपनी हैसियत की किसी लड़की से शादी कर लो। नहीं, रुकता हूँ। घबराओ मत, जब मैं अमीर बन जाऊंगी ना तभी तुम्हारे साथ वैसे ही रहूंगी जैसे कि अब हूँ। ओके, प्रॉमिस। प्रॉमिस बाबा। Good morning, sir. Morning. A very happy new year to you. Thank you. Mr. Goenka is cancelled for the day. Mm-hmm. The board meeting is now at 11:30. The marketing presentation has been shifted to post-lunch. Sir, क्या कहा मैम ने आपके बारे में जानके? मैंने उसे बताया नहीं। क्यों सर? क्योंकि 1992 में उसके पिताजी के पास 3 एम्बेसडर कार थी जो उसके चाचा या मामा ने धोखे से हड़प ली। अब उसकी अपने चाचा से ज़्यादा अमीर बनने की इच्छा है, तब तक शादी नहीं करेगी। लेकिन सर अगर आप उसे बता देते तो? तो उसकी मुझसे ज़्यादा अमीर बनने की इच्छा हो जाती, फिर तो हो चुकी शादी। दरअसल सच तो यह है कि मुझे उससे इस तरह ही मिलना पसंद है। ये फ्लैट मैंने उसके लिए ख़रीदा था, सोचा था अपनी असलियत बताने के बाद उसे गिफ्ट करूँगा, तो वो तो हो नहीं सका। अब इसे किसी तरह उसके हवाले करना है, ये तुम्हारी जिम्मेदारी। हो जाएगा सर। थैंक यू। बुरी नजर से दूर रहे, पेट्रोल हमेशा फुल रहे। yeah!
मुझे भी। अरे क्या यार, आज भी लेट। अरे खरीद ली? यस, सरप्राइज, पहली तो आ गई, दो और बाकी है। वाह क्या बात है। मैंने अपनी शादी के लिए ज्वेलरी इकट्ठा की थी, अब तुम मेरे होने वाले पति हो तो तुम्हें देने की क्या जरूरत है, इसलिए गाड़ी खरीद ली। चलती भी है। मजाक उड़ा रहे हो, चला के देखो। हाँ रोड अच्छी। नहीं नहीं मस्का है मस्का। अरे रेड चला ना, वीडियो है, रेड चलता है। बहुत अच्छी गाड़ी है, बहुत सुंदर है। गुड न्यूज सर, लंदन से फैक्स आ गया है, वी हैव गॉट द लाइसेंस। अब इंडिया से यूके जाने वाली सारी कॉल्स हमारे थ्रू जाएंगी। That's wonderful. सारे स्टाफ को गुड न्यूज दे दो। ठीक है, आपको इमीडिएट लंदन जाना होगा सर। या हाय, कैसी हो? हाय, एक गुड न्यूज है। कमाल है, जो भी मैं कहना चाहता हूँ वही बात मुझसे पहले वो कह देती है। मुझे भी तुमसे कुछ कहना था। नहीं नहीं, पहले मैं। ठीक है बोलो। एयर वॉइस लकी कॉन्टेस्ट में मुझे एक नया फ्लैट मिला है। एयर वॉइस लकी कॉन्टेस्ट? आप वो फ्लैट लेना चाहते थे ना, तो मैंने एक कॉन्टेस्ट के जरिए दिलवा दिया। वाओ दैट्स ग्रेट यार, कांग्रेचुलेशंस। सिर्फ कांग्रेचुलेशंस से काम नहीं चलेगा, 5 मिनट में यहाँ पहुंच जाओ। कल्पना इस वक्त मैं बिजी हूँ, मैं नहीं आ सकता। दो जूते खाओगे, कलेक्टर बन गए हो क्या? एड्रेस दे रही हूँ फॉर नाउ। ठीक है। Hi. Congratulations. Thank you. Hey, एक सेकंड। ये क्या? तुम्हारा पहला कदम है ना इस घर में, इसे मैं हमेशा हमेशा के लिए कैद करना चाहती हूँ। तुम भी हो? और इस घर में हमारे पहले कदम की याद दिलाएगा। तो कैसा है घर? बहुत बढ़िया। क्या कल्पना, नया घर, सेकंड हैंड गाड़ी, तुम्हारी तो निकल पड़ी है। आई एम फीलिंग सो हैप्पी। हाँ तो फोन पे कुछ कह रहे थे ना? हाँ वो कुछ 10 दिन के लिए मुझे शहर से बाहर जाना पड़ेगा। कहाँ? वो मेरे गांव। क्यों अचानक? वो माँ बीमार है। ओ तूने यहाँ ले आओ ना। नहीं गांव जाना ज़रूरी है, वहाँ हमारी ख़ानदानी ज़मीन है 2 एकड़ मेरे नाम, उसे बेचनी है, माँ के इलाज के लिए पैसे चाहिए। 10 दिन? देखो
हो सके तो जल्दी आ जाना। हाँ ठीक है, आ जाओगे ना? क्या बात है, क्यों घबरा रही? नहीं पता नहीं, मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है। हे, क्या तुम भी? All the rest are standard clauses. I think we've covered everything in the contract. Am I right? Yes, sir. We've clarified all the points. Okay, I need a hard copy of this on the flight. It will be done, sir. Make sure that all the changes are incorporated. Right, sir. Yes. Sir, we're getting late. Oops, it's 1:00, yeah. All right, let's pack. Thank you, gentlemen. Thank you. Hello? Hello, Sachin. कल्पना। हाँ बोलो कल्पना। मुझे तुमसे अभी मिलना है, मेरे पुराने घर के पास आ जाओ ना। अभी 1 बज रहे हैं कल्पना, बोलो ना क्या बात है। नहीं कल तुम गांव चले जाओगे, उससे पहले मुझे तुमसे मिलना है, प्लीज। ठीक है मैं आता हूँ। यहाँ नीचे क्यों खड़ी हो? ऐसे तुम्हारा इंतजार कर रही थी। तो क्यों बुलाया मुझे? ये क्या है? इसमें 135,000 है तुम्हारी माँ के इलाज के लिए। इतने पैसे कहाँ से? अपनी कार बेच दी। क्या, क्यों? तुमने कहा था ना तुम जमीन बेचने जा रहे हो, मत बेचो, वो तुम्हारे खानदान की निशानी है। कार फिर ले लेंगे। लेकिन तुमने इतने दिल से ली थी। अब छोड़ो ये सब, अपनी माँ को वो हमाम साबुन वाला ऐड दिखाना, उसमें वो बहुत अच्छे दिख रहे। जल्दी आ जाना। हाँ और हाँ, मैं भी अगले हफ्ते एक एडशूट के लिए गोवा जा रही हूँ, 2-3 दिन में लौट आऊंगी। अच्छा तुम्हें देर हो रही है, अब तुम जाओ। जाओ ना। मत पीछो, वो तुम्हारी खानदान की निशानी है।
यार फिर ले लेंगे। मैं तो ये सोचता था के आजकल ऊपर वाले को फुर्सत नहीं, फिर भी तुम्हें बना के वो मेरी नजर मैं चढ़ गया रुतबे में वो और बढ़ गया। ये तो 21 जून 2006 तक ही है। उसके बाद संजय लंदन चला गया और कल्पना गोवा। उसके बाद क्या हुआ? कल गर्ल्स हॉस्टल में जिस आदमी को हमने अरेस्ट किया था उसके बारे में कुछ पता चला? नहीं सर, कुछ अजीब सा कैसा? क्यों उसे लेके आओ? सर उसे काबू में रखना मुश्किल था इसलिए उसे बेहोशी का इंजेक्शन देना पड़ा। इसने अपने शरीर पर बहुत सारे नाम और नंबर गुदवा रखे हैं और भी कुछ अजीबोगरीब चीजें लिखी हुई है। सर पर किसी गहरी चोट का निशान है। इसके अलावा इसके पास से गन, कैमरा और कुछ फोटोग्राफ भी मिले हैं, लेकिन ये कौन है अभी तक पता नहीं चला। इन नंबर्स पर फोन करो और पता करो ये कौन लोग हैं। हेलो हेलो, ये नगर पुलिस स्टेशन से कांस्टेबल धुरी बोल रहे हैं। इस आदमी को पहचानते हैं? जी हाँ, एयरवॉइस कंपनी के चेयरमैन मिस्टर संजय सिंघानी है। एयरवॉइस कंपनी के चेयरमैन? जी, ये शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस के पेशेंट हैं और 15 मिनट से ज़्यादा इन्हें कुछ याद नहीं रहता। मेरे दोस्त हैं, याद रखने के लिए मेरा नाम और नंबर इन्होंने अपनी बॉडी पर लिखा हुआ है। दैट्स ऑल। आपको कहाँ मिली? मेरे कॉलेज गर्ल्स हॉस्टल की लिफ्ट में। सर इनके मैनेजर और पिया हैं। इनके खिलाफ FIR दर्ज की है? अभी नहीं सर। थोड़ा रुको। He's only a patient. और आपको मालूम है वो कौन है? गर्ल्स हॉस्टल में गन के साथ पाया गया है।
कैसे पता चलेगा कि वो पेशेंट है? सर ये गन उनकी सेफ्टी के लिए है, ये रहा उसका लाइसेंस, उन्होंने किसी पे गोली तो नहीं चलाई ना। एफआईआर दर्ज नहीं की है, अब नहीं ले जा सकते हैं, लेकिन आगे से ध्यान रखिए प्रसाद, इन सब की डिटेल्स ले लो। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच। ये तो कौन के एड्रेस है? रे कल की डेट लिखी है, एक दिन बाद तू भी चला जाता। कोई मत मारना, इसकी बॉडी पे मेरा नाम और नंबर लिखा है, पुलिस रिकॉर्ड में दोस्त है मेरा। इसके मर्डर की इंक्वायरी होगी, बहुत बड़ा लफड़ा होगा। पर तो क्या जिंदा छोड़ दी इसे? हाँ जिंदा, लेकिन जिंदा लाश। इसने लिख लिख के अपनी याददाश्त बनाई है ना, हमें इसे लिख के लोगों में मिटाना है, हमें इसे कोरा कागज बनाना है, कोरा। कमरे में रखे फर्नीचर की तरह है, जस्ट लाइक ए वेजिटेबल। न्यूज़पेपर आर्काइव्स फर्स्ट फ्लोर।
यहाँ क्यों छुपी हो? बाहर आ जाओ, आओ, संभल के बैठ जाओ। क्या हुआ तुम्हें? मैं लातूर गांव की रहने वाली हूँ और मुझे रमेश भाई ने काम दिलवाने के लिए मुंबई लाया, पर उन्होंने मुझे किसी और को बेच दिया और मुझे वहाँ पे जबरदस्ती गोवा ले जा रहे हैं और मेरी जैसे कई सारी लड़कियाँ आगे के डिब्बे में, लेकिन मैं फिर से स्टेशन पे किसी तरह वहाँ से भाग कर यहाँ छुपी थी। रो मत, कुछ नहीं होगा, मैं हूँ ना। चल जल्दी कर। ए, किसी बच्ची को देखा क्या? फ्रॉक पहनी हुई थी। 10 रुपया दो। यार 3000 तक तो जाएगा। चल छोड़ दो लड़की को, चलो। कुछ नहीं है। अगले स्टेशन पर उतर कर मुंबई चले जाएंगे। हम तो मुर्गी के बच्चे के लिए इतना घूम रहे थे, फिर खुद ही मुर्गी मिले तो छोड़ देंगे क्या? मैं ठीक हूँ, तुम कहाँ, गोवा में हो? नहीं सचिन, मैं वापस मुंबई जा रही हूँ। क्या? बहुत लंबी कहानी है। इस ट्रेन में 25 लड़कियों को कुछ गुंडे किडनैप करके गोवा ले जा रहे थे। मैंने उन्हें किसी तरह बचा लिया, अब उन्हीं को लेकर मैं वापस मुंबई जा रही हूँ। क्या तुम ठीक तो हो ना? मुझे ठीक से बताओ क्या हुआ। घबराओ मत, मुझे कुछ नहीं हुआ। Are you sure? अरे मैं बिल्कुल ठीक हूँ बाबा, really? तुम भी ना कल्पना। वैसे तुम्हारी यही आदत मुझे सबसे ज्यादा पसंद है। कौन सी आदत? दूसरों को मदद करने की। जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था तब तुम किसी गेट के पास कुछ अपाहिज लड़कियों को अंदर जाने में मदद कर रही थी। तुम्हें कैसे पता? अरे अभी तो बहुत सी चीजें जो मैंने तुम्हें नहीं बताई, सुनोगी तो चौंक जाओगी। नाटक मत करो, बताओ। हाँ ऐसे नहीं, जब मैं तुम्हें बताऊंगा तब मैं तुम्हारा चेहरा देखना चाहता हूँ, इसलिए लौट कर ही बताऊंगा। चलो मैं चलता हूं। टेक केयर, बाय। बाय।
की सबसे बड़ी खबर लड़कियों के अपहरण और अंग व्यापार से जुड़ी हुई। बीती रात मुंबई में हुए इस खुलासे से लोग सन्न हैं। उत्तर भारत के छोटे छोटे गांव और कस्बों से 25 लड़कियों को नौकरी के बहाने मुंबई से गोवा ले जाया जा रहा था। कल्पना नाम की एक लड़की ने अपनी जान पर खेलकर कुछ सैनिकों की मदद से इन तमाम लड़कियों को बचाया है। जांच के बाद पता चला है कि इन लड़कियों के अंगों की तस्करी की जा रही थी। ऑपरेशन के जरिए इनमें से कई लड़कियों की किडनी निकालकर बेच दी गई थी। यही नहीं, इन्हें मुंबई से गोवा ले जाकर जिस्म फरोशी के धंधे में धकेला जाने वाला था। देश भर में लड़कियों की खरीद फरोख्त का ये धंधा बड़े पैमाने पर चल रहा है और जांच में ये बात सामने आ रही है कि इसमें किसी बड़े आदमी का हाथ हो सकता है। बचाई गई इन लड़कियों की मदद से पुलिस देश भर में छापे मार रही है और जिन लोगों पर शक है उन्हें हिरासत में लेकर पूछताछ भी की जा रही है। हालांकि इसमें बड़ी संख्या महिलाओं और लड़कियों की है और करीब 50% से ऊपर तो बच्चे हैं। हेलो जी, मैं कांस्टेबल वैजयंती बोल रही हूँ, बॉम्बे म्युनिसिपल हॉस्पिटल से। हाँ वैजयंती जी, बोलिए जी। देखिए, मैंने आपको इसलिए फ़ोन किया है कि आपने यहाँ पर 25 लड़कियाँ भेजी थी। हाँ जी जी, उसमें से 2 गायब हैं। उनका क्या हुआ कुछ नहीं मालूम, अब प्लीज़ यहाँ पर आकर चेक कर लीजिए। और ये मैंने आपको इन्फॉर्म किया, ये किसी को मत बताइएगा, इसके पीछे किसी बड़े आदमी का हाथ है। मैडम आप अभी इस वक्त जाइए, सुबह आ जाइए, सुबह सब लड़कियों का डिस्चार्ज हो जाएगा, जाइए। मैं 25 लड़कियों को लाई थी, यहाँ पे सिर्फ 23 है, 2 लड़कियाँ कहाँ है? नहीं नहीं, आपको गलतफहमी हो गई है, आप 23 ही लड़कियाँ लाई थी। झूठ मत बोलो, मेरे पास सबके नाम की लिस्ट है। ठीक कह रही है, 25 छोरियों ने लाई थी तू। कौन हो तुम? गजनी, गजनी धर्मात्मा। 25 छोरियों में से 23 ने मेरे आदमियों पे उंगली उठाई, कोई बात नहीं भाई, लेकिन उन 2 छोरियों ने मेरे पे उंगली उठा दी। वो 2 लड़कियां कहाँ हैं? काट के दरिया में फेंक दी। और कुछ पूछना चाहती है तू? जैसे दरिंदों की वजह से लड़कियां घरों से निकलने से डरती हैं। किन किन लोगों से डर के भागेगी लड़कियां? धर्म और मजहब के रखवालों से, डॉक्टरों से, काम करने की जगह में, स्कूल्स और कॉलेजेस में। काट के दरिया में फेंक दी। हेलो हेलो कल्पना जी, जी मैं कांस्टेबल वैजयंती बोल रही हूँ। बोलिए मैडम। आपके यहाँ से जाते ही उन्होंने आपको मारने का प्लान बनाया है, आप प्लीज अपने घर में जाइएगा, कहीं और रुक जाइए, वो आपके घर में छिपे हैं।
दरवाजा अंदर से बंद है, वो अंदर ही है। ढूंढो उसे। कल्पना चले हुआ, लगता है इस रास्ते से निकल गई होगी। चलो Thank you.
जाओ सचिन, यहां से जाओ। कल्पना रजनी, कौन? रजनी, सर, आई एम सरिता, आई एम अ मेडिकल स्टूडेंट।
मुझे माफ कर दो, तुम्हारी इस हालत की मैं भी जिम्मेदार हूँ, लेकिन अब मैं तुम्हें एक अजीब तक पहुंचाऊंगी, तुम्हारी याददाश्त मैं बनूंगी। मुझे इससे बात करनी है अभी। ये पैसा देता नहीं देता उसको। हाँ भाई। हेलो हेलो, मेरा नाम संजय है। क्या? संजय सिंघानिया। तुम्हारा नाम गजनी है। याद है 1 जुलाई 2006? तुम शायद बोल सकते हो, लेकिन मैं नहीं बोल सकता। सिर्फ वही की चीज याद है मुझे। ए, तुझे जिंदा छोड़ के गलती की मैंने, लेकिन अब तुझे खत्म करके मैं अपनी गलती सुधार लूंगा। अब के नहीं छोड़ूंगा तुझे साले। अपनी मौत का इंतजार कर, मैं आ रहा हूं। एक साले, एक! साला, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस पेशेंट मुझे याद दिला रहा है? रह गड्ढे निकालो, हम जस्तनवाड़ी जाते हैं, उसे आना दो अपने एरिया में। वहां ऐसा मारेंगे साले को कि उसके नखून का भी पता नहीं चलेगा। ये लोग तो कहीं जा रहे हैं। पीछा करो। ये लोग यहाँ पर रुके। इनमें से गजनी कौन है? वो व्हाइट शर्ट व्हाइट पैंट। ये जरा डेंजरस एरिया लगता है, हमें शायद यहाँ वेट नहीं करना चाहिए। अरे कहाँ जा रहे हो? तुम उसे ऐसे नहीं मार सकते। उसके साथ बहुत सारे लोग हैं। रुको, हम उसे अकेले में पकड़ेंगे। बहुत डेंजरस एरिया है, पागल हो गए हो क्या? ए शाड़े, अबे ओए, हेलो, कहाँ जा रहा? हेलो, कहाँ जा रहे हो भाई? अंदर नहीं जाने का, चलो। Oh my.
मुझे भाई, मुझे चलो भाई, कजिन कजिन उधर से आ रहा है भाई, मुझे चलो। मैं प्रकाश भाई, आप भूल गए, हम दोनों गजनी को पकड़ने आए थे भाई, देखो कितना मारा भाई उसने मुझे, देखो मैं प्रकाश, गजनी देखो मार के मेरा क्या हाल कर दिया, बहुत मारा उसने, बहुत खतरनाक आदमी है भाई, बहुत खतरनाक आदमी है भाई, वो इधर ही से आएगा भाई, आप देख रहे ना, आप देख रहे ना भाई, आप देख रहे ना, बहुत कमीना आदमी है भाई, बहुत कमीना आदमी है। सॉरी, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस, देख मेरा चेहरा, देख मैं हूं कजनी, मैं, तू मुझे मारना चाहता था, याद है क्यों? तेरी याददाश्त तो बहुत कमजोर है भाई, सिर्फ 15 मिनट ही चलती है, कोई बात नहीं, अब तेरी जिंदगी के आखिरी 15 मिनट में मैं तुझे पूरा एक्शन रिप्ले करके दिखाता हूं, देख तू। याद है वो रोड जिससे मैंने तेरी मंगेतर को मारा था, कुछ ऐसा ही था, याद आया? इसी तरह तेरी आंखों के सामने वो जमीन पर पड़ी थी। अब तुझे मारने से पहले मैं तुझे ये दिखाता हूं कि मैंने तेरी कल्पना को कैसे मारा था, देखो। Go!
चलो चलो चलो। अरे रुको रुको रुको, सज्जू भैया इसका नाम क्या है? राहुल। पूजा। हेलो कैंटनो। अच्छा अपने यहाँ पे देखा चीता। चीता। I'm Sunita. I'm a friend of yours. I have a present for you. For me? No, it's not my birthday either. I have a present for her as well. This is for you. Thank you. हॉले हॉ
से गुनगुनी धूप की तरह से तरन्नुम में तुम छूके मुझे गुजरी हूँ यूं देखूं तुम्हें या मैं सुनूं तुम हो सुकून तुम हो जुनून मिली तुम।